डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने 3 ऑपरेशन पढ़ लिए थे। आज हम मैट्रिक्स का चौथा ऑपरेशन देखेंगे, मैट्रिक्स का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब हम एडिशन देख रहे थे तो एडिशन के अंदर 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हुए करेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। करेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करने वाला प्रोसीजर या अलाउ नहीं है, या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जो है वो कैसे करते उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे। उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी हम 2 मैट्रिक्स को गुणा कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, जैसे हम एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, हमारे को ए को बी से गुणा करवाना है, ए बी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ए बी गुणा संभव होगा या नहीं होगा ये हमारे को चेक करना है। तो इसके लिए कंडीशन है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं पहली मैट्रिक्स में, ये पहली मैट्रिक्स का क्रम है, ऑर्डर है, जिसमें ये पंक्तियों, पहला नंबर पंक्तियों की संख्या, दूसरा नंबर स्तंभों की संख्या का है, दूसरी मैट्रिक्स में ये एन नंबर ऑफ रोज है, पी नंबर ऑफ कॉलम है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो जब कभी भी आपको मैट्रिक्स को गुणा करना हो तो सबसे पहले गुणा संभव होगा या नहीं होगा आपको ये चेक करना पड़ेगा। जो पहली मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। ये जब बराबर होंगे तभी 2 मैट्रिक्स का हम गुणा कर पाएंगे, अन्यथा उन 2 मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं होगा। अब गुणा अगर संभव हो जाएगा, यहाँ पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या एन है, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या एन है, दोनों बराबर है, अतः ए बी संभव होगा। अब जब ए बी संभव होगा तो ए बी का क्रम क्या होगा, क्योंकि जब हम 2 मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगी, एक मैट्रिक्स ही आएगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इधर जो नंबर बचा हुआ है वो और इधर जो नंबर बचा हुआ है इन दोनों को लिखने पर रिजल्टेंट का क्रम आएगा। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं मैट्रिक्स का गुणा कैसे करना है। तो गुणा करने से पहले आपको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स का गुणा संभव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ इस आपको इस ए को इस बी से गुणा करवाना है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 2x2। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 2x3। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी जो है वो संभव होगा कि नहीं होगा। तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव होगा, अतः ए बी निकलेगा। तो ए बी का जो क्रम है वो क्या होगा, तो अभी आपको बताया, यहां से 2 बज गया और यहां से 3 बज गया। तो जो ए बी आएगा उसका क्रम क्या होगा, 2x3। अब गुणा करना कैसे है उसे समझने के लिए हम पहले एक 2x3 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो एक 2x3 की मैट्रिक्स का मतलब हो गया उस मैट्रिक्स के अंदर 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो a11, a12, a13, a21, a22, a23। तो आप देख रहे हैं कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स में 2 तो पंक्तियां होगी और 3 स्तंभ होंगे, टोटल 6 एलिमेंट होंगे उसके अंदर। अब इन 6 एलिमेंट को आपको कैसे
कैलकुलेट करना है, इसका प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं हम। मैट्रिक्स गुणा जो है वो रो टू कॉलम चलता है, क्या कैसे चलता है, रो टू कॉलम। तो हम देखते हैं हमारे को छह एलिमेंट निकालने हैं, सबसे पहले ये A11 निकालना है। A11 कैसे आएगा तो जरा ध्यान से देखते हैं। A11 ये फर्स्ट नंबर जो है वो रो को बताएगा, सेकेंड नंबर जो है वो कॉलम को बताएगा। तो आपको क्या करना है, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो करिए मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस -2 मल्टी इसे सॉल्व कर लेंगे। अब A12 नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, तो A12 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टी 2 प्लस -2 मल्टी 3। इसी प्रकार A13 कैसे आएगा, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो 1 मल्टी 3 प्लस -2 मल्टी 1। अब A21 निकालना है, इसका मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो सेकेंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो 2 मल्टी 1 प्लस 3 मल्टी 2। ये एलिमेंट कैसे आएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रही सेकेंड रो, तो 2 मल्टी 2 प्लस 3 मल्टी 3। इसी प्रकार A23 निकालना है, पहले नंबर 2 है तो सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 मल्टी 3 प्लस 3 मल्टी। अब इन्हें सोल्व कर लीजिए, 1 माइनस 4 2 माइनस 6 3 माइनस 2 2 प्लस 6 4 प्लस 9 6 प्लस 3। तो आप देख रहे हैं -3 -4 1 8 13 और 9। एक बार हम वापिस समझते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले जब भी दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो A को B से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे यहाँ पर दोनों बराबर है इसलिए मल्टीप्लाई तो होगा। अब रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, इधर जो नंबर बचा है वो यहाँ लिख दिया, इधर जो नंबर बचा वो, इसका मतलब रिजल्टेंट का ऑर्डर जो आप गुणा करेंगे वो मैट्रिक्स कौन से क्रम की होगी, 2x3 होगी। तो आप अपनी सुविधा के लिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज आपको नहीं बनानी है, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। तो 2x3 की एक मैट्रिक्स आपने बना ली, 2x3 की मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें 2 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो। अब A11 ये एलिमेंट आपको निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, A11 का मतलब हमेशा पहले पंक्ति क्रमांक आता है बाद में स्तंभ क्रमांक आता है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करना है संगत और जोड़ के लिखना है। A12 का मतलब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, A13 का मतलब है पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। इसी प्रकार A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, इस तरह आपको एक 2x3 क्रम की एक
एबी आव्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होता है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, और परिणामी का जो क्रम है वो क्या होगा, पहली मैट्रिक्स में जो पंक्तियों की संख्या है और दूसरी मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या है उनका क्रॉस करने पर हमें परिणामी का क्रम पता चलेगा। तो इस प्रकार ये हम ए को बी से गुणा करवाना सीख गए हैं। दो तीन क्वेश्चन हम और देखते हैं। चलिए गुणे के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ए बी और बी ए यदि संभव हो तो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए का ऑर्डर है 2x2 और बी का ऑर्डर है 2x2। तो ए बी निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ रो इन बी, दोनों बराबर है। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः गुणा संभव होगा। और रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, जो इधर आपके बच जाए और जो लास्ट में बच जाए 2x2। तो 2x2 की एक मैट्रिक्स कैसी होती है, A11, A12, A21, A22। तो अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले A11 का मतलब है आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 + 4 × −2। A12 का मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 + 4 × 5। A21 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 + 2 × −2। A22 मीन्स सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 + 2 × 5। इसको सोल्व कर लीजिए तो 2 − 8 = 6 + 20, 3 − 4 = 9 + 10। माइनस का 6, 26 माइनस का 1 और 19। तो आपके पास में ए बी जो है वो ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम बी ए कैलकुलेट करते हैं। तो बी ए के लिए भी सबसे पहले बी को लिख लीजिए 1 × 3 − 2 = 5, और फिर ए को लिख लीजिए, ए है 2 − 4 = 3 − 2। एक चीज यहाँ ये देखने लायक है, जब दो मैट्रिक्स को आपको गुणा करवाना है और दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ये बात ध्यान रखने लायक है कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हमेशा गुणा संभव होगा और रिजल्टेंट भी उसी क्रम का एक मैट्रिक्स होगा। लेकिन जब कंडीशन आपको तब निश्चित रूप से चेक करवानी है जब दो मैट्रिक्स का क्रम अलग अलग हो। तो यहाँ बी ए संभव होगा और बी ए का क्रम भी क्या होगा, वो यही होगा 2x2 ही होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं बी ए, सबसे लिख लेते हैं एक बार A11, A12, A21, A22। तो देखते हैं सबसे पहले A11 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 2 + 3 × 3। A12 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 × 4 + 3 × 2। A21 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, −2 × 2 + 5 × 3, −2 × 4 + 5 × 2। सोल्व कर लीजिए इसको, 2 + 9 = 1 + 4 + 6 − 4 + 15 − 8 + 10, 11, 10, 11 और 2। इस तरह से आपके पास में ए बी और बी ए। चलिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 का। आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, आपको यह प्रदर्शित करना है कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगी वो बी ए मैट्रिक्स के
बराबर नहीं है। तो आपको सबसे पहले ए को बी से गुणा करवाना है और उसके बाद में बी को ए से भी गुणा करवाना है। तो आप देखेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है, यही आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में गुणा करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको ए बी के लिए चेक करना है कि ए बी संभव होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए का क्रम क्या है, 2x4, और बी का क्रम क्या है, 4x2। ए का क्रम 2x4 का मतलब इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है, इसमें 4 रो है और 2 कॉलम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 4 है, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 4 है, दोनों बराबर है, अतः ए बी क्या होगा, संभव होगा। अब जो ए बी आएगा उसका क्रम क्या होगा, 2x2। तो एक 2x2 की एक आवयव आप बना लीजिए, a11, a12, a21, a22। ये काम करने से गलती की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो हम देखते हैं अब 2x2 की मैट्रिक्स कैसे आएगी। तो सबसे पहले a11 आएगा यहाँ। a11 का मतलब है फर्स्ट रो को, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रही फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम। तो 0x0 +1x1 +2x2 +3x3। अब a12 कैसे आएगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 0x3 +1x2 +2x1 +3x0। देख लीजिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। 0x3 1x2 2x1 3x0। अब नेक्स्ट 8x1 मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3x0 +2x1 +1x2 +0x3। नेक्स्ट एलिमेंट 8x2 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3x3 +2x2 +1x1 +0x3। सोल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा, 0+1+4 9, 0 2 2 0, 0 2 2 0, 9 4 1 0। तो आप देख रहे हैं ए बी आपके पास में क्या आ गया, एक 2x2 की एक मैट्रिक्स आ गई। अब हम देखते हैं कि बी ए संभव होगा कि नहीं होगा। तो बी ए के लिए पहले आपको क्या करना है, बी को लिखना है। तो बी है 0, 3, 1, 2, 2, 1 और 3, 0। और फिर आपको ए को लिखना है 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0। तो B का ऑर्डर है 4x2 और A का ऑर्डर है 2x4। तो आप देख रहे हैं पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर है, अतः BA संभव होगा। और BA का ऑर्डर क्या होगा, BA जो है वो एक 4x4 की एक मैट्रिक्स होगी। तो 4x4 का मतलब क्या हो गया, a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34, a41, a42, a43, A4। 4x4 की एक मैट्रिक्स आएगी। तो अब हम देखते हैं क्या करना है,
सबसे पहले ए वन वन, तो ए वन वन के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो मल्टी जीरो प्लस थ्री मल्टी थ्री, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ए वन टू मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो को जीरो मल्टी वन प्लस थ्री मल्टी टू। ए वन थ्री मतलब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो जीरो मल्टी टू प्लस थ्री मल्टी वन। ए वन फोर मतलब फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से, जीरो मल्टी थ्री प्लस थ्री मल्टी जीरो। इसी तरह से ए टू वन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो वन मल्टी जीरो प्लस टू मल्टी थ्री। ए टू टू सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, वन मल्टी वन प्लस टू मल्टी टू, वन मल्टी टू प्लस टू मल्टी वन, वन मल्टी थ्री प्लस टू मल्टी जीरो। इसी तरह से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो टू मल्टी जीरो प्लस वन मल्टी थ्री, टू मल्टी वन प्लस वन मल्टी टू, टू मल्टी टू प्लस वन मल्टी वन, टू मल्टी थ्री प्लस वन मल्टी जीरो, थ्री मल्टी जीरो प्लस जीरो मल्टी थ्री, थ्री मल्टी वन प्लस जीरो मल्टी टू, थ्री मल्टी टू प्लस जीरो मल्टी वन, थ्री मल्टी थ्री प्लस जीरो मल्टी जीरो। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। नाइन सिक्स थ्री जीरो, सिक्स फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस टू फोर, थ्री थ्री टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, सिक्स जीरो थ्री सिक्स और नाइन। तो आप देख रहे हैं कि इन ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ए बी और बी ए जो है वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको ए बी और बी ए दोनों निकालना था, ए बी भी संभव था और बी ए भी संभव था। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए ये प्रोसीजर आप ध्यान रखिए, आप सबसे पहले ये चेक करिए कि मल्टीप्लाई संभव होगा या नहीं होगा, और अगर मल्टीप्लाई संभव होगा तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, उसके अनुसार फिर आप ये मैट्रिक्स बना के ये सब स्क्रिप्ट के अनुसार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए फोर थ्री लिखा है तो फोर्थ रो को थर्ड कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है। होमवर्क के लिए आप दो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जो आपको मेथड बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। धन्यवाद।